क्या आप लाइफ में बहुत कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लाइफ में आप इतनी हाइट्स अचीव करें कि लोग आपके एग्जांपल्स देना शुरू कर दें? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको इंप्लीमेंट करके आप लाइफ के हर फील्ड में बहुत कामयाबी हासिल कर पाओगे, एंड इनफैक्ट आप एक बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं? हैव यू सीन सच पीपल हु लव प्लेइंग द ब्लेम गेम एंड कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट देयर पेरेंट्स, देयर बॉसेस? भाई मेरे तो दोस्त ही खराब है, मेरे कलीग्स बहुत जलते हैं यार मुझसे, मेरे क्लाइंट्स अजीब हैं, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरा हस्बैंड खराब है यार, इससे अच्छा मैं कबाड़ी रह जाती। At times they complain about the weather, at times they complain about the economy of the country, या सरकार खराब है हमारी, ठीक है, पैसे नहीं है मेरी जेब में, and in fact हद तो तक हो जाती है जब ऐसे सुनने को मिलता है कि यार नक्षत्र खराब है मेरे तो जी, सितारों में ही कुछ गड़बड़ है। क्या आपने ऐसे लोग देखे? Okay wait, let me change the question, क्या आप खुद ऐसे तो नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज ही छोड़ दो ये आदत, क्योंकि आपकी ये आदत आपको आपकी ही सफलताओं से, आपकी खुशियों से कोसों दूर लेके जा रही है और शायद आपको खबर भी नहीं है। सो हियर आई विल गिव यू द फर्स्ट टिप, एंड दैट इज यू विल हैव टू डेवलप सच अ माइंडसेट दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो इस बात को आज ही अपने दिमाग में बैठा लो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो चुका है या जो कुछ भी होने वाला है, उसके क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। इफ यू रियली वॉन्ट टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, यू विल हैव टू गिव अप ऑल द एक्सक्यूजेस एंड टेक द अल्टीमेट चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपको सारे बहाने, वो सारे विक्टिम स्टोरीज, वो सारे रीजंस कि आप अभी तक क्यों नहीं कर पाए या क्यों नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें आज ही छोड़नी पड़ेगी। अपने हालातों पर ब्लेम करना है ऑल, यू विल हैव टू गिव अप एवरीथिंग एंड दैट टू फॉरएवर। सी आई टेल यू माई फ्रेंड, इनिशियली ना सबके हालात सेम ही होते हैं। आप मुझे किसी एक सक्सेसफुल इंसान के बारे में बता दो जिसने कभी भी लाइफ में मुश्किलें फेस नहीं करी। इनफैक्ट व्हेन यू रीड अबाउट द अल्ट्रा सक्सेसफुल पीपल्स बायोग्राफीज लाइक अमिताभ बच्चन, लाइक एमएस धोनी, लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान, एवरीबॉडी, जब आप इनके हालातों के बारे में पढ़ेंगे ना, शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट ऑल दे डिड वाज दे स्टॉप्ड ब्लेमिंग देयर सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस and they took the charge of their life. So finally, हमें आज से अपने दिमाग को ये ट्रेन करना है कि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई भी नहीं है। And see, दिमाग एक बार में नहीं समझता। अगर हमें दिमाग को कोई ट्रेनिंग देनी है ना, तो हमें बार 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 उसको याद दिलाना पड़ेगा that you are the creator. Till the time it gets into our subconscious brain. So do one thing, आप इस वीडियो को अभी पॉज करो एंड कमेंट बॉक्स में जाके नीचे आप कमेंट कीजिए दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन डेस्टिनी। नाउ हैव यू एवर हर्ड द फ्रेज दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द चॉइसेस दैट यू हैव मेड इन द पास्ट? आप जो कुछ भी फेस कर रहे हो ना कहीं पास्ट में आपने ऐसे कुछ चॉइसेस किए थे जिसकी वजह से आज उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सी इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज आज आपको 15,000 रुपए मिलते हैं। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो महंगी महंगी क्लब्स में जाके अपने दोस्तों के साथ आप पार्टी करें, या फिर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केट, इन सारी जगहों पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप पहले चॉइस को चूज करते हो देन नेक्स्ट डे यू आर द सेम, बट इफ यू चूज द सेकेंड ऑप्शन, Bravo, you have multiplied your money. So that's how choices design our lives. As I told you, हमें हमारे दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। And in fact, ये बात ना आज से 5,000 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता में already कही जा चुकी है। गीता के छठे अध्याय के पांचवें श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेतात्मनात्मनं नात्मनं नवसादये आत्मनो बंधुरात्म। अर्थात श्री कृष्ण यहां पे अर्जुन से कहते हैं कि इंसान अपनी बुद्धि और विवेक के बदौलत
अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है और डिग्रेड भी कर सकता है, अपना विकास भी कर सकता है और अपने आप को बहुत नीचे गिरा भी सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे अच्छा हमारा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। सो वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड वेरी वेरी कॉन्शियसली। आप जरा ध्यान से सोचिए, जो लोग कंप्लेन करते हैं किसी भी चीज या किसी भी इंसान को लेकर, इट क्लियरली मीन्स दैट दे हैव अ डिफरेंस पॉइंट, उनको ऐसा लगता है कि वो उससे कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो नहीं मानते कि वो एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक इससे बेहतर जॉब या फिर इससे अच्छा लाइफ पार्टनर पा सकते हैं, तो वो कभी कंप्लेन नहीं करते। दिमाग में बहुत क्लियर एक पिक्चर होती है दैट समथिंग बेटर देन व्हाट आई हैव प्रेजेंटली इज पॉसिबल, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट। जरा सोचिए इस बारे में कि लोग हमेशा उसी चीज को लेकर कंप्लेन करते हैं जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन वो खुद निकाल सकते हैं। वो कभी भी उस चीज की कंप्लेन नहीं करते जो उनके कंट्रोल से बाहर की चीज होती है। क्या आपने कभी किसी को ग्रेविटी के ऊपर कंप्लेन करते हुए सुना है? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ना हम कभी स्टेयर से गिरते, ना हमारे हाथ से कोई चीज नीचे गिर के टूटती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट स्टिल नोबडी कंप्लेन्स अबाउट ग्रेविटी बिकॉज इट सिंपली एग्जिस्ट्स। हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे कंप्लेन भी नहीं करते। इनफैक्ट हम उसको यूटिलाइज करते हैं क्रिएटिवली, माउंटेन से पानी को नीचे लाने के लिए, ठीक है, आपकी टंकी से पानी नीचे लाने के लिए, वी यूज इट क्रिएटिवली। हम ग्रेविटी को लेकर कभी कंप्लेन नहीं करते, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बट हमेशा हम उसी चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे होते हैं जो हमारे खुद के बस में है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो हियर अगेन आई वुड से यू विल हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। Create or you allow something that happens to your life. You either create it by simply taking the choices in the past or presently you are taking some choices jo aapko aage mil jayega uska result ka. Or you allow something by not changing it. Aap khud usko allow karte ho, aap usko change nahi karte because aapko risk face nahi karna. Now I'll end up this video with a short story and ye story jo kuch bhi humne is video mein sikha wo sabko sum karegi. एक बार क्या होता है, एक इंसान शाम के टाइम वॉक करता हुआ जा रहा होता है और अचानक उसकी एक दूसरे इंसान से टक्कर हो जाती है जो नीचे झुक के कुछ खोज रहा होता है। वहां पे स्ट्रीट लैंप के नीचे वो वहां पे कुछ खोज रहा होता है, तो ये इंसान उससे पूछता है कि भाई तुम क्या खोज रहे हो? तो वो कहता है कि यार मेरे ना चाबियों का गुच्छा है यहां पे खो गया है कहीं पे और मैं उसको ढूंढ रहा हूं। तो दूसरा इंसान जो होता है वो काफी नेक दिल होता है, वो वहां पर रुक जाता है और वो उसको कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं ढूंढने में। अब तकरीबन एक घंटे की मेहनत के बाद, बहुत थकने के बाद, वहां पे वो भी ढूंढना शुरू कर देता है नीचे झुक के, और एक घंटे की मेहनत करने के बाद चाबी का गुच्छा फिर भी नहीं मिलता। तो ये दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है, आर यू श्योर कि आपका चाबी का गुच्छा यही खोया था? तो वो कहता है कि नहीं यार, मेरा चाबी का गुच्छा तो मेरे घर पे खोया था बट अल्टीमेटली रोशनी यहां है इसलिए मैं ढूंढ ही आ रहा हूं। यू गेटिंग द मैसेज? वो वक्त आ चुका है जब आप पूरी दुनिया को ब्लेम करना छोड़ दो और अपने भीतर झांकना शुरू करो, बिकॉज यू आर द ओनली वन हू क्रिएट्स द क्वालिटी ऑफ द लाइफ दैट यू आर अबाउट टू लीड एंड द रिजल्ट्स दैट यू आर अबाउट टू प्रोड्यूस। इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, सो दैट वो भी अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाए, अपने माइंडसेट को और ज्यादा ब्रॉड कर पाए। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को क्लिक करते हैं, सो दैट आप इस तरह की वीडियो को भी मिस ना करें। I'll see you in the next video. Till the time, you just implement what you have learned in this video and hit the goals.